गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। साहिल साहिल, ओके, लाल गेमिंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। जय प्रकाश बॉय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अमित, गुड इवनिंग। सर, क्लास अपने टाइम से स्टार्ट होगी 5 बजे। एक्चुअली किसी काम में थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए लेट हो गया है ना 5 मिनट। बाकी क्लास किस टाइम चलेगी, इनकी भी चर्चा आज करनी होगी। क्लास का एग्जैक्ट टाइमिंग तो 2 बजे का है, लेकिन कहीं बाहर होने के कारण आज का आपका शेड्यूल लेट हुआ और आपका क्लास आज 5 बजे से हो रहा है आपके सामने। बाकी ये क्लास डेली आपके सामने 5 बजे से, सॉरी 2 बजे से चलेगी। एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। चलिए, गुड इवनिंग सोनू गुप्ता जी, गुड गुड इवनिंग। चलिए फटाफट एक बार सभी जुड़ जाएंगे। वेट अ सेकेंड, एक बार शेयर कर लेता हूँ। एक बार जुड़े सभी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार सभी जुड़ेंगे, सभी जुड़ेंगे। मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ आपकी क्लास को। चलिए जी, सभी अपने आईटीआई वाले बच्चों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ओके। इनका ख्याल रखना, आप लोग आईटीआई वाले बच्चों को आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। चलिए जी, चलिए चलिए सर, क्या पूरा होगा यह क्लास? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पूरा होगा जी, सर क्यों नहीं पूरा होगा, एकदम पूरा होगा, ये लो है ना। लेकिन टर्मोलॉजी को ध्यान रखना सर, ये किसके लिए है सर? आईटीआई के लिए। किसके लिए सर? आईटीआई के लिए। पहला, आज फर्स्ट डे, यानी आप कह सकते हो सर इनोग्रेशन हो रहा है आपका, आपके क्लास का। ओके, सो, वेट अ सेकेंड। ओके ना, चलिए सर, नोट्स लिखाऊंगे क्या? बिल्कुल, नोट्स भी आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिकल, आई एम वर्किंग इंडियन रेलवे। ओके आशुतोष, बिल्कुल। चलिए, आप जहाँ भी काम करते हैं कोशिश करिए अपने कुछ वक्त को निकाल के यहाँ पे स्टडी करने का। ओके चलिए, हाँ चलाते चलाते मत देखने लगना, आई एम वर्किंग। ओके चलिए, तो मैं अब सर शुरुआत करता हूँ अपने क्लास की। सर क्या बी बार का फॉर्म आया है? वो देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में। सर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे? सर हमें याद रखना, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आपको पूरा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो भी थॉट्स हैं उन सारे थ्योरी को, बेसिक डीसी सर्किट, एसी सर्किट के बारे में, थोड़ा सा थ्योरम के बारे में ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करना, थोड़ा सा जानना होता है कि कुछ कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद आप जाओगे थोड़ा सा मैग्नेटिक, थोड़ा सा बैटरी। सो ये आपका ओवरऑल जो होता है सिस्टम होता है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। चलिए चलिए, तो हम इसकी चर्चा एक बार कर लें। आइए सर, हम इसकी चर्चा कर लें, हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में क्या रहेगा? मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर क्या रहेगा, तो सर आप याद रखना, यहां से बेसिक ऑफ किसका? रेजिस्टेंस, बेसिक ऑफ रेजिस्टेंस, करेंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। ओके, इन सारी चीजों के बारे में आपको एएलपी कब आएगा गुरु जी? एएलपी भी जल्दी आ जाएगा, एएलपी भी कुछ जल्दी आ जाएगा। ओके ना, दूसरी बात करूं मैं,
सर दूसरी बात करूं, ये आईटीआई सीरीज के अंदर सर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा। दूसरा सर डीसी सर्किट होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके लिए डीसी सर्किट। मैं तीसरा पॉइंट करूं तो सर आपको एसी सर्किट भी पढ़ना है, आप एसी सर्किट भी पढ़ना है सर। आपका बेसिक ऑफ थ्योरम्स पढ़ने, थ्योरम्स के आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक्स भी पढ़ना है। अगेन अगेन सर ये बेसिक्स के बाद आपको क्या डिस्कस करना है सर, थोड़ा सा बैटरी, यानी आप कह सकते हो सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। एकदम हिंदी होगा, हिंदी होगा, मैं हर एक चीज़ का हिंदी आपको बताऊंगा जी, हर एक चीज़ों का हिंदी भी बताऊंगा कि एक्चुअली हिंदी में कैसे क्या करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध। आइए सर और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं सर, आपको ओम्स लॉ यहाँ पे पढ़ना है, केसीएल एंड केवीएल लॉस। ओके नेक्स्ट यहां पे मैं कहूं आपको थोड़ा सा नोड ब्रांच, नोड ब्रांच के बारे में आपको जानना होगा। नाउ यहां से और आगे बढ़ूं सर, आपको थोड़ा सा आरएमएस एंड एवरेज कैलकुलेशन ऑफ, आरएमएस एंड एवरेज कैलकुलेशन ऑफ एसी वेवफॉर्म्स की चर्चा करनी होगी। आरएमएस बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा, बाकी एक्ट पर चल रहा है सारा चीज़, है ना सर। एक बार थ्योरी पढ़ने का शेड्यूल का वीडियो बना दीजिए, बिल्कुल सोनू कुमार, वो भी बन जाएगा। सो यहाँ पे मेनली एवरेज आरएमएस कैसे किसी वेव का कैलकुलेट करते हैं, इनकी भी चर्चा आपको करनी होगी, इनकी भी चर्चा आपको करनी होगी। ओके तो सर यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअली टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल ये सारे चीजों की चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ इसकी रेजिस्टेंस में टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल आएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, करंट क्या होता है सर, इवन आपको बेसिक में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी चर्चा करने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी चर्चा करने होंगे। अब समझिएगा सर आईटीआई, नेक्स्ट सर आईटीआई का बैच है क्या, बिल्कुल ऐप पर आईटीआई का बैच पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा, कंटेंट लगातार आपको मिलते रहेंगे ऐप के अंदर, लगातार मिल रहे हैं। नो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्या होंगे सर, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इस सेशन में मेनली आपको देखना पड़ेगा सर न्यूमेरिकल्स, क्या देखना होगा सर न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मेनली आपको देखना होगा क्या सर, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सर यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा होगा जैसे कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद टर्म आएगा हमारा इंडक्टर, जिसको आप लोग कॉइल कहते हो, नेक्स्ट आएगा कैपेसिटर, नेक्स्ट आएगा कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर। तो यहां पे ध्यान रखना है सर एक चीज कि इन सारे टॉपिकों के बकायदा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कोर्स आपको मिलेंगे। ओके
और उन सारे कोर्स में फिर आपका ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के भी है कंटेंट आपको मिलेंगे वहाँ पे, मशीन का भी मिलेगा कंटेंट वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करोगे सर वहाँ पे तो थोड़ा सा जेनरेशन का भी मिल जाएगा, यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल के वहाँ पे फिर पूछे जाते, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के तो वो कंटेंट मिलेंगे। तो सर यहाँ पे पूरा समराइज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पूरे जो कह सकते हो ना आप उसके न्यूमेरिकल जितने भी होंगे हम हर एक का डिस्कशन करेंगे, हर एक का डिस्कशन करेंगे। पेड बैच की फ़ी कितनी है सर? पेड बैच की अभिषेक फीस है 2200-2400 के आसपास होगा, एक बार देखना आप लोग। अब मैं आज यहाँ से कुछ डाटा आप लोगों से लिखूंगा, छोटा छोटा डाटा सिखाओ। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आईटीआई वाले बच्चों का। आज मैं कुछ टेस्ट लूंगा यहाँ पे आप लोगों से कि क्या आप लोग कर सकते हो कि नहीं। एक छोटी सी बात ओके चलिए यहाँ पे समझिएगा सर, यहाँ मैं कहता हूँ एक छोटी सी चीजें हैं आप लोग बताएंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पे आईटीआई के हैं उनको बताना है सर, ओनली फॉर आईटीआई। ये है 10 ओम और ये है 10 ओम, ध्यान से समझिएगा, और ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी। आपसे पूछ रहा है आर ए बी का प्रतिरोध कितना होगा, आर ए बी का प्रतिरोध कितना होगा, ध्यान से आईटीए वाले ध्यान से। ऑप्शन ए है 10 ओम, ऑप्शन बी है 20 ओम, ऑप्शन सी है 30 ओम, ऑप्शन डी है 40 ओम। चलिए सर मैं देख लगता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल 10-10 ओम सभी ने किया है, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, आज फर्स्ट क्लास में चेक कर रहा हूँ कि किस लेवल तक आप लोग को पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल इतना आप लोग अगर बेसिक जानते हो, मोस्टली बच्चों ने सही किया है, बिल्कुल फर्स्ट मोस्टली बच्चों ने सही किया है जी। कितना होगा जी 10, यानी ये दोनों मिल के देगा 20 और 20-20 पैरेलल में फाइनल वैल्यू 10 ओम इज योर आंसर। जितने न्यूमेरिकल कराऊंगा ये बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर पहले इतनी बातों की चर्चा होगी, इसमें मशीन अभी नहीं है, इसमें मेजरमेंट नहीं है, इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ ओके। इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो होता है हमारे उन सब टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ओके। नौ मैं बात करूंगा सर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है। आईटीआई वाला बच्चा, आई होप आईटीआई के जितने भी बच्चे होंगे सभी उम्मीद करता हूं सही से जवाब देंगे, यहाँ से पूछ रहा है आपको सर आर ए बी बताइए, पहले नहीं दूंगा यहाँ पे वैल्यू, नहीं तो तुम लोग पहले बना के बैठ जाते हो, मुझे ऑप्शन देने दो सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपसे कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है सर यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम ओके, और यहाँ पर 2 ओम ओके, ये इस तरीके से अरेंज है और आपको कह रहा है वैल्यू अगर आपने अरेंज कर दिया है तो यहाँ है 12 ओम ओके। तो बताइए कि आपका ये जो वैल्यू आर ए बी क्या होगा, वैल्यू जो है वो क्या होगा सर, 6 ओम, 3 ओम, देन 12 ओम अगेन, वेट अ सेकेंड, ऑप्शन दे रहा हूँ अभी कोई टाइप नहीं करेगा,
ऑप्शन कोई भी टाइप अभी नहीं करेगा, मैं जब बताऊंगा तभी टाइप करेगा। ओके नाउ अगेन वेट अ सेकेंड, ओके नाउ सर आप लोग एक बार टाइप करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब टाइप करेंगे राकेश, हनुमान, चलिए 3-3, चलिए बहुत कोई टाइप कर रहा है। ओनली फॉर आईटीआई, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओनली फॉर आईटीआई, ओनली बच्चा आईटीआई वाला बच्चा ही अटेंड करेगा, पता चला 12 बड़ा बच्चा कोई अटेंड कर रहा है। ओके ये ओनली फॉर आईटीआई के लिए। ओके तीन ओम तीन ओम तीन ओम, बहुत बच्चों ने तीन ओम जवाब दिया है, तीन ओम क्रेजी। ओके बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरा आईटीआई का एकदम पूरा प्रैक्टिस चलेगा जी, आईटीआई का पूरा फुल्ली प्रैक्टिस चलेगा। चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर पूरा। सो आई होप बहुतों ने, बहुत बच्चा इसको क्या करता है सर, ये ना ब्रिज समझ बैठता है, इसको गुना करेगा इससे 16, 8 × 16 इसको ही उड़ा देगा, मामला निकाल देगा 4, मामला निकालेगा 4 जो कि क्या है गलत है सर, ये ब्रिज नहीं है, आपस में पैरेलल सर्किट है, बहुत बढ़िया सर मैं बता रहा हूँ। मैं कई बार बीटेक वाले बच्चों को कहता हूँ वो ब्रिज समझ के इसको ब्रिज का बना देता है क्वेश्चंस, लेकिन आपने सही समझा कि सर ये पैरेलल में है और ये 8 × 4 = 12, 12 के पैरेलल 6 और 6 फिर 6 के पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट 3 ओम इज योर राइट आंसर, 3 ओम इज योर राइट आंसर। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। ALP सिलेबस में का टेक क्लास सब होगा क्या? बिल्कुल ALP के सिलेबस में आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के जब ऐप पर जाओगे तो वहां पे बिल्कुल सिलेबस मिलेगा, बिल्कुल सिलेबस आपको मिलेगा। ओके चलिए जी चलिए नेक्स्ट सर, ऐप पर इलेक्ट्रिशियन कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया है क्या? जी बिल्कुल, मोस्टली हिंदी में प्रीफर किया गया है, ऐप पर मोस्टली हिंदी में प्रीफर किया गया, पर वर्ड इंग्लिश भी यूज किए गए हैं, पर मोस्टली हिंदी में बताया गया, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहेगा सर ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये करंट है, बहुत बढ़िया जो भी प्रेजेंट है सही अभी तक जवाब दे रहे, सर ये 3 एम्पियर का सर्किट है और एक वोल्टमीटर है, सॉरी वोल्टेज सोर्स है, ये 5 वोल्ट का है। आपसे पूछ रहा है इस सर्किट में, एक सेकेंड, ABCD, इस सर्किट में आपसे ITI ओनली, बार बार मैं लिखता हूँ, कोई और अटेंड नहीं करेगा, नहीं तो कहेगा सर बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे, रीजन है ये ITI का है। ओके सर, सर आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार पटना से हूँ। ओके चलिए बात करते हैं सर, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सर इस सर्किट में करंट कितना मिल जाएगा, सर इस सर्किट में करंट कितना होगा, अगर कोई आपसे पूछे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आई कोई पूछ रहा है बताइए कितना एम्पियर करंट बताएगा, ऑप्शन ए है 5/3 एम्पियर, ऑप्शन बी -5/3 एम्पियर, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी -3 एम्पियर। सर एक बार टाइपिंग करेंगे आप लोग, सभी टाइपिंग करेंगे, जयप्रकाश बोल रहा है बी, चलिए सभी टाइपिंग करेंगे आप फटाफट, अब आंसर करिए सर सभी। आंसर करेंगे सभी, चलिए जी चलिए, कुछ ने बी बोला, कुछ ने डी बोला है सर, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आप लोग को वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, पहले वेट करिए, मैं आज ट्रायल में देख रहा हूँ कि किस लेवल से चीज़ों को लेना है आप लोगों के साथ, आप जो जुड़े हुए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से बच्चों का लेवल क्या है उसी तरीके से हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। सर ये बता दीजिए ये बता दीजिए, चलिए ये बताने की बात आई, बहुतों ने डी बोला है, बहुतों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डी बोला है, ओके और बहुत बच्चे हैं जिन्होंने ए भी बोला है, बहुत कोई ए भी बोला है, ठीक है। चलिए सो चलिए अब रहने देते हैं, अब देखते हैं, मैं बता रहा हूँ सर, चलिए सर टेक्निकल की
कर रहा हूँ सर, टेक्निकल की बिल्कुल करिए, टेक्निकल की करिए। ओके नाउ यहाँ देखिएगा, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड सर। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, एक चीज़ पता होगा सर, ये एम्पियर है, ये करेंट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है इन बहुत ज़्यादा होता है, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है। सो किसी ब्रांच का करेंट, किसी ब्रांच का करेंट, किसी सोर्स एलिमेंट का करेंट इससे होके गुजर जाएगा, लेकिन कोई वोल्टेज सोर्स कहेगा कि मैं अपना करंट इधर से भेज दूंगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कितना है सर यहाँ पे, इनफाइनाइट है। रेजिस्टेंस कितना है सर यहाँ पे, इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है तो करंट भेज नहीं पाएगा, ये सिर्फ कैसा बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट वायर। ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट वायर। ओके तो इस परिपथ में कितना करंट सर्कुलेट करेगा, बस इसी के कारण। तो इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर, ध्यान से समझिएगा, इस डायरेक्शन सर 3 एम्पियर, यानी इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर, और पूछा है इस डायरेक्शन में मतलब उल्टा, बराबर -3 एम्पियर, बराबर -3 एम्पियर। डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। पूरी प्रैक्टिस चलेगी जाए यहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल टर्म में चलेगा, पूरा न्यूमेरिकल टर्म में, पूरा न्यूमेरिकल होगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा न्यूमेरिकल चलेगा जी, बिल्कुल। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा जी, डी, नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, एकदम पूरा एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा स्लाइड पे आएगा, उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। आइए जी, नाइस सर जी, आइए। ये लो रेजिस्टेंस सर, ये 10 ओम का है सर, ये भी 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 10 ओम का है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके 10 ओम का है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा है, यहाँ देखिए इसके अक्रॉस जो बैटरी लगा है वो भी लगा है 10 वोल्ट का। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से सर, वीडियो हर दिन आएगा क्या? बिल्कुल वीडियो आपको डेली मिलेगा जी, लेकिन 2 बजे, कितने बजे सर? 2 बजे, 2 PM पर। कब सर? 2 PM पर। कितने बजे? 2 बजे, लाइव। कहाँ पर सर? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर सर, कहाँ पर? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर, डेली 2 बजे। 1 अप्रैल अप्रैल फुल बन गया, उस दिन मैं बड़ी जोर से बोल रहा था सर आप लोग का 1 तारीख से क्लास होगा 2 बजे, लेकिन कुछ ऐसे काम हो गए जिसके कारण आपका शेड्यूल 5 बजे करना पड़ा। एक बार सभी टाइप करेंगे क्या, 2 बजे सर ठीक है आप लोग के लिए टाइम? 2 बजे आप लोग के लिए ठीक है टाइम? क्या बताएंगे, 2 बजे क्या आप लोग के लिए ठीक है टाइम? अभी करंट की बात नहीं कर रहा, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो सर, इसको भूल जाओ, ये लो नेक्स्ट पेज सर। 2 बजे टाइम ठीक है क्या, ये बताइए। ये ऐसे बता रहा हूं, ये लो डेली लाइव एट द रेट 2 PM एट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, एट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। क्या ये सही है? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रजापति नॉलेज, बेसिक नॉलेज सर, यही टाइम ही बच पा रहा है मेरे पास। ओके सर 4 बजे, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी 4 बजे सर। फिर 5 बजे का ठीक है क्या, ये बताओ, फिर 5 बजे का ठीक है सर? यूट्यूब पर नहीं होगा क्लास? बिल्कुल यूट्यूब पे होगा, या फिर 5 बजे सभी को ठीक है, ये बताइए।
क्या ऐसा लगता है आप लोग कि ये इसके जगह 5 आ जाना चाहिए? पांच बजे सभी को ठीक है क्या, ये बताइए। हाँ सर 5 बजे सभी बोलेंगे यूनाइट होके, 5 बजे का टाइम ठीक है ये बताइए। 5 बजे ठीक है, चलिए 2 PM ही ठीक है सर। यस सर जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर 5 बजे, 5 बजे बिल्कुल, 5 बजे बिल्कुल जी, 5 बजे 2 PM सर, 5 बजे, 5 बजे बहुत बच्चे राजी हैं सर, 5 बजे बहुत बच्चे राजी है। तो मुझे लगता है शेड्यूल 5 बजे की करनी चाहिए, शेड्यूल 5 बजे की करनी चाहिए। 2 PM अविनेश कुमार, 2 PM पे आ जाते हो। दीपक कुमार सर 5 PM रहने दो ना, 5 AM सुबह में, इतना सुबह नहीं सर, 5 PM रहने देते हैं, 5 बजे को लॉक कर देता हूँ सर, 5 बजे को लॉक कर देता हूँ, बिल्कुल 5 PM को लॉक कर देता हूँ। अब फिर आगे से 5 PM को लॉक कर देता हूँ जी, अगर ऐसा ही है, सब बंदे अवेलेबल हमको है 5 बजे, सो 5 PM को लॉक किया जाता है सर। लॉक कर दो जी, बिल्कुल 5 PM को लॉक करता हूं, है ना, डेली लाइव 5 बजे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और ये क्या रहेगा सर, न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल्स एंड MCQ बेस्ड, ऑब्जेक्टिव थियोरिटिकल भी रहेंगे और न्यूमेरिकल भी रहेंगे, MCQ थियोरिटिकल रहेंगे और न्यूमेरिकल भी रहेंगे। यस सर, चलिए आइए सर, अब इस क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा सर, आइए अब इस क्वेश्चन में मैं जवाब लेता हूं आपका। सर क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान से समझिए कि एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है, और ये करंट दे रहा है आई, ये क्या दे रहा है, करंट आई। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अभी सर 5 बजे नहीं, 2 बजे तक ठीक है अंकित जी, चलिए देखते हैं देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर ध्यान से समझिए, आइए ध्यान से समझिए सर, अगर दिए गए परिपथ में, परिपथ से एक प्रतिरोध टूट जाए, तब सोर्स के द्वारा निकला करंट क्या हो जाएगा। ओनली फॉर ITI, ओनली फॉर ITI, याद रखना दिस इज ओनली फॉर ITI, ए बी सी डी, मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक कोई टाइप नहीं करेगा। ऑप्शन करंट क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। ओके दूसरा घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई सही नहीं है। सर बताइए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसका सही उत्तर है। सर केवी भी पढ़ा दो, मेरा सर एक ही काम है पढ़ना, कभी भी पढ़ा दो, चलो बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश में लिटोन मंडल इंग्लिश में भी हो रहा है कि कह रहा है एक ऐसा सर्किट है इसमें करंट का वैल्यू बताइए क्या होगा अगर एक रेजिस्टेंस टूट जाए, इस सर्किट से एक रेजिस्टेंस अगर टूट गया तो बताइए इस सर्किट में जो करंट है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है।
बिल्कुल थ्योरी भी कराएंगे, बिल्कुल थ्योरी भी कराएंगे, डोंट वरी। बच्चों के जवाब आ रहे हैं बी, अमित कुमार कह रहा बी, सर घट जाएगा, करंट घट जाएगा। थ्योरी भी कराएंगे संदीप जी, थ्योरी भी कराएंगे, आज देख रहा हूं मैं। संदीप कह रहा ए, सर करंट बढ़ जाएगा। ओके, बहुत बच्चे ए और बी में मामला लपटा रहे हैं, कह रहे सर, कोई कह रहा बढ़ जाएगा, कोई कह रहा घट जाएगा, कोई कह रहा बढ़ जाएगा, कोई कह रहा घट जाएगा, क्या मामला है जी? इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बच्चे कह रहे सर इंक्रीज हो जाएगा, सर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बहुत कोई सी भी कह रहे हैं सर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन होगा सर? रजिस्टेंस टूटता है तो टूटने दो, अगर आपके घर में बल्ब जुड़ा है तो बल्ब टूटता है तो टूटने दो, परिपथ में कोई चेंजेज नहीं आएगा। परिपथ में ये जो टोटल करंट निकल रहा है, इस करंट की चर्चा कर रहा हूँ, इस करंट की। सर आपके घर में 10 बल्ब है, एक बल्ब या 2 बल्ब या 4 बल्ब ना जलाओ, ऑफ कर दो, तो क्या आपके घर में पोल से उतना ही करंट खींचता रहेगा? ऐसा कभी संभव है? नहीं, क्योंकि लोड कम हो गया तो करंट क्या होगा, चलिए चर्चा करेंगे। लोड निकालना तो करंट कम हो जाएगा ना, लोड निकलता तो करंट कम हो जाएगा ना, चलिए यही लॉजिक मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, देखिए बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं। सर इस सर्किट में ध्यान से समझिएगा, सर इस सर्किट में अगर पहले टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक कितना है, ध्यान से। सर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पहले कितना था, जब ये करंट आई भेज रहा था, जब ये करंट आई भेज रहा था तो सर्किट में 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस था, 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 5 बटा 5 10 बटा 5 कितना हो गया, 10 बटा 5, यानी इसका आर इक्विवेलेंट बोले तो 10 बटा 5 बराबर कितना हो गया 2 ओम, यानी इस सर्किट का प्रतिरोध कितना था 2, तो 10 बटा 2 से भागा दूंगा तो कितना होता है जी, सर्किट में पहले करंट जा रहा था 5 एम्पियर, कितना जा रहा था सर 5 एम्पियर। एक रेजिस्टेंस आपने तोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस क्या किया आपने, तोड़ दिया। देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन एक्चुअली होगा क्या, रेजिस्टेंस घटने से करंट और घट जाएगा, करंट क्या होगा घट जाएगा। मामला क्यों ऐसा, देखिए सर एक रेजिस्टेंस हमने तोड़ दिया, ये लो एक रेजिस्टेंस हमने तोड़ दिया, अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालिएगा तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है सर 4, तो 10 बटा 4 कितना हो गया सर 10 बटा 4 हो गया, 10 बटा 4 मतलब 2.5 ओम हो गया। तो सर देखिए अगर पैरेलल में लोड टूट जाए, कोई रेजिस्टेंस टूट जाए, तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध ओवरऑल बढ़ रहा है, और सीरीज में कोई रेजिस्टेंस टूट जाए तो ओवरऑल प्रतिरोध घट रहा है, ओवरऑल प्रतिरोध घट रहा है, ये मामला फिट है कि नहीं? सो इसमें रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है सर, बाद में रेजिस्टेंस क्या किया, बढ़ रहा है सर, इसमें रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, अब पहले ही कम था, पहले ही कम था, अब तो बढ़ गया, और सर अब बढ़ गया तो नया करंट क्या होगा, करंट नया वाला क्या होगा, वोल्टेज है 10, प्रतिरोध हो गया 2.5, 4 एम्पियर करंट, नया करंट कितना हो गया 4, नया करंट कितना हो गया सर 4, पहले करंट कितना था ज्यादा, अब करंट क्या हुआ कम, सो क्या होगा सर घट जाएगा, क्या मामला होगा सर घट जाएगा। क्लियर है? बहुत बच्चा गलत करता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। आपके घरों में अगर अगर आपके घरों में कम बल्ब पैरेलल में जुड़ेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, तो करंट लोड से कम खींचेगा, आपके घरों में पोल से करंट कम खींचा जाएगा, जब नहीं जला रहे तो पोल कैसे करंट खींचे, मतलब करंट कैसे खींच सकता है, नहीं खींचेगा, क्या करेगा सर नहीं खींचेगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर है क्या? बढ़े थम्सअप करिए, बढ़ जाते हैं आगे, एक बार थम्सअप करिए सभी, क्या क्लियर है तो आगे बढ़े, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए,
सर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। हाँ चलिए, ये क्लास डेली कब सर? 5 बजे। ये क्लास डेली 5 बजे। हाँ बिल्कुल, TET 2 का ही इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जी। सर एक क्वेश्चन देखना, चार ओम, चार ओम, एक वायर यहाँ से कनेक्ट है, दूसरा वायर यहाँ से कनेक्ट है, आपसे पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा सर, आपसे पूछ रहा है इस दिए हुए सर्किट का, इस दिए हुए सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस आर ए बी कितना होगा? इस सर्किट में दिए हुए रेजिस्टेंस में आर ए बी कितना होगा सर? कोई न्यू बैच स्टार्ट करो आप। बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट ही है जी, न्यू बैच स्टार्ट ही है। ओके, अब यहाँ कोई पूछता है सर इसका आर ए बी क्या होगा, इसका आर ए बी क्या होगा, तो अपन ये कह सकते हैं सर, अपन ये कह सकते हैं इसका आर ए बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सर इनमें से कौन बढ़िया है? ध्यान से समझिएगा, इनमें से कौन सा वैल्यू आपके लिए सुटेबल है, कौन सा वैल्यू आपके लिए सुटेबल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके चलिए, कह रहा हूँ सर देखिए 8 ओम, ओके नौ सर 4 ओम, ओके एक ने कहा 8/9 ओम और एक ने कहा सर 0 ओम। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए बी सी और डी। ए बी सी डी में टाइप करेंगे सर। शॉर्ट है तो 0। देख लेते हैं मामला। लालू 8 ओम, निशा डी 0, अमित 8/9, लिटॉन 0, डी बहुत कोई बी कह रहा है 4 ओम, बहुत कोई पायल 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर करंट कितना जाएगा सर्किट में? सर देखिए, हमेशा सर्किट कितना भी बड़ा हो, आपको ये देखना है कि परिपथ में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो देखिएगा सर्किट में पर करंट किस रास्ता होके गुजरता है, सर्किट में करंट जिन जिन रास्ता होके गुजरेगा, जिन जिन प्रतिरोध होके गुजरेगा, सर्किट का इफेक्टिव यानी जोड़ने योग्य, कैलकुलेट करने योग्य सिर्फ प्रतिरोध वही होता है जिससे होके हमारी धारा प्रवाहित हो सकती है। जिससे धारा नहीं प्रवाहित होगी वो रेजिस्टेंस हमारे काम का नहीं होगा, चाहे वो लाखों रेजिस्टेंस लगा हो उस परिपथ में। पहली बात, आइए मैंने कहा कि कैसे चेक करा जाए सर किस परिपथ से करंट जाएगा। सर अगर यहाँ से आप करंट दोगे और यहाँ से फाइनली लौट के आएगा, मतलब एक वोल्टेज लगाओगे सोर्स, तो यहाँ से करंट निकलेगा लौट के यहाँ आना, तो देखेंगे इस पॉइंट तक आने के लिए, यहां से जाके इस पॉइंट तक आने के लिए, यहां से जाके इस पॉइंट तक आने के लिए, सर यहां से जाके उस पॉइंट तक आने लेके ये रास्ता फॉलो करने के लिए चाहेगा, लेकिन कहेंगे ठीक है और भी देख लो, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा रास्ता है, ये रास्ता ही शॉर्ट है, ये रास्ता ही क्या है, शॉर्ट सर्किट है।
ये रास्ता क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो इस परिपथ से करंट जाएगा, कहेगा बिल्कुल नहीं जाएगा। सर इस परिपथ से फिर करंट क्यों जाएगा, एक रास्ता में कांटे ही कांटे भरे हो, एक मतलब फूल बिछाए हो, तो कोई कांटे वाला रास्ता जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा सर। सिंपल वे में इसका मतलब टोटल करंट कहां से कहां बाईपास कर जाएगा सर। वेट अ सेकेंड, दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ। टोटल करंट सर कहां से कहां बाईपास कर जाएगा, यहीं से बाईपास कर जाएगा। कोई और रास्ता करंट ढूंढेगा क्या इधर जाने के लिए, कहेगा नहीं, ये रेजिस्टेंस है, इधर नहीं जाएंगे। कहेगा इधर से ट्राई कर लो, नहीं इधर से क्यों जाएंगे सर। टोटल रास्ता शॉर्ट सर्किट, दैट्स वेयर रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो। डी इज योर बिल्कुल लालू डी, अर्पित डी, बिल्कुल जी। बिल्कुल सभी का क्लियर है, अब सभी को क्लियर है। हाँ आगे बढ़े जी। सर याद रखना, फिर से मैं बार बार कहता हूँ, इसमें बराबर बड़का बच्चा मत घुस जाना सर, ये आईटीआई के लिए है, आईटीआई ओनली, बड़ा बच्चा के लिए नहीं है ये, आईटीआई ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, पायल सहानी सर कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ाएंगे, स्टूडियो से पढ़ाएंगे, फ्रॉम पटना। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर प्रॉब्लम सॉल्व है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब नौ आइए सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्योंकि आज के डेट में, आज तो मैं क्वेश्चन खुद से दे रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन तैयार करके लाऊंगा। ओके चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, फटाफट क्वेश्चन फटाफट करते जाएंगे। आज मैं बोल रहा हूं कि सर अगर ये दिख जाए तो ऐसे सर्किट को अब आप क्या करोगे सर, एक पॉइंट यहां से पकड़ना है, एक पॉइंट यहां से पकड़ना है, फाइनल वैल्यू आपको निकालना है। सो मैं देख लेता हूं सर कितना होगा, ऑप्शन आप लोग बताएंगे सर। यहां पे आप कहोगे सर ऐसे कंडीशन में वैल्यू 4/9 ओम निकलेगा सर, 8/7 ओम निकलेगा सर, 4 ओम निकलेगा सर, 3 ओम निकलेगा सर, कौन सा सही होगा, टाइप करेंगे सर, एक बार टाइप करेंगे। टाइप करेंगे सर कितना होगा, कोई बोला, अमित बोला 6 ओम सर जी, पायल कह रहा है सी, पायल कह रही है सी, कोई बोल रहा है 6 ओम, एडिशनल एक 6 ओम भी ऑप्शन है, चलिए ये भी एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन इसमें और ऐड कर देता हूँ, नन, एक और ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन दे सकते हो सर, एक ये भी ऑप्शन दिया हो, 3 ओम गुरुदेव, राहुल कुमार कह रहा है 3 ओम गुरुदेव,
ये प्रैक्टिस डेली चलेगा, ये प्रैक्टिस डेली चलेगा। चार 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 सर, चार 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 चार। चलिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, अब मैं सॉल्व करूं, यहां से सॉल्व करूं सर, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलत करने लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलत करते हैं, उसको समझ नहीं आता किधर से जोड़ू क्या करूं। पर ये सर देखोगे ना, ये बन गया है आपस में ब्रिज, इसको खींचिएगा तो ये बन जाएगा ब्रिज। ये 8 ओम वाला यहां रहेगा, ओके 8 ओम के साथ यहां देखना, और ये चला लो, इसको ऊपर खींच लो, ये बेचारा है 4 ओम, और इस पॉइंट को इस 8 के एंड से जोड़ दो तो ये बेचारा है कितना, 2 ओम। समझिए, समझने के लिए पॉइंट पहले मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S, आसान बनाने के लिए। तो देखिए R और Q, मैं कह रहा हूँ सर ये क्यूब है और ये R है, ये क्यूब है ये R है। अब देखिए P पॉइंट से 1.4 ओम जुड़ा हुआ, ये P पॉइंट है, और P से R भी जुड़ा है 2 ओम का। तो अब PA पे पॉइंट क्या जुड़ा हुआ है, एक। P पे पॉइंट क्या जुड़ा हुआ है जी, एक। नेक्स्ट सर यहाँ पे देखिए Q पॉइंट से कहाँ चलेंगे जी, S पॉइंट पर। Q पॉइंट से S पॉइंट पर कितना जुड़ा हुआ, 8 ओम। और फिर R पॉइंट से S पॉइंट पे कितना जुड़ा हुआ सर, 4। अब देखिए हमारा मामला है क्या, P को A है, P हमारा A ही है, और दूसरा है B हमारा S ही है। तो S के पॉइंट पे अपन क्या कर देंगे सर, B करके रख लीजिए, S के पॉइंट पे क्या कर लीजिए, B करके रख लीजिए। अब ये बताइए सर, इसका इसका गुना, इसका इसका गुना, ये तो हट जाएगा, 8 दूनी 16, 4 चौका 16, ये रेजिस्टेंस खत्म, ये रेजिस्टेंस खत्म, तो हो गया ना। अब करिए, अब देखिए ये दोनों आपस में, ये और ये सीरीज में हो गए ना, तो ये क्या हो गया, 8 4 12, 4 2 6, 12 पैरेलल विथ किसके, 6 के, 12 पैरेलल विथ 6 के। तो 12 गुना 6 बटा 12 6 18, 36 18, 3 चौका 12, 4 ओम इज योर राइट आंसर, 4 ओम इज योर राइट आंसर, बिल्कुल 4 ओम इज योर राइट आंसर। बहुत बच्चों ने सही जवाब किए हैं जी, बहुत बच्चों ने सही जवाब किया। चलिए जी बढ़ा जाए आगे, क्या आगे बढ़ा जाए, एक और शानदार क्वेश्चन दिया जाए। आज फर्स्ट डे है, सभी को शेयर करना डेली 5 बजे लाइव थ्योरी प्लस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट ध्यान से सर, ये आपका 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, और इस 20 वोल्ट के बैटरी में इस रेजिस्टेंस में पोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे सर 10 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है सर 10 ओम। वेट अ सेकेंड, यहाँ नीचे लिख देता हूँ सर, यहाँ रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, पूछ रहा है इस परिपथ में यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, आपसे पूछ रहा है इस परिपथ में यहाँ का वोल्टेज क्या होगा। राहुल गुप्ता जी, ये क्लास 2 बजे अनाउंस थी, पर मोस्टली बच्चे कह रहे 5 बजे कर दो सर, मोस्टली बच्चे कह रहे 5 बजे कर दो। चलिए ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
तो आपका क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज पोलैरिटी के साथ -7 वोल्ट +3 वोल्ट -10 वोल्ट +10 वोल्ट ई में है, कोई सही नहीं है सर, कोई सही नहीं है। हाँ 5 बजे ही चलेगा ये, 5 बजे ही चलेगा जी। अर्पित कह रहा है 10 वोल्ट। चलिए जी, अमित कह रहा सर +3 वोल्ट। एक कह रहा है सर डी आंसर है हनुमान जी। लाडो कह रहा है डी है सर। सर डी है, सर डी है। सर डी है। सर डी है। डी है सर, डी है। चलिए बहुतों का आंसर डी है जी, बहुतों का आंसर डी है, बहुत बढ़िया। सर ये देखिए सिंपल, 3 ओम हमने यहां दिया, 3 ओम यहां दिया, 7 ओम यहां दिया, 10 और दूसरा 10, मतलब कि अगर 20 वोल्ट सोर्स है तो सिंपल ये 10 में दो ड्रॉप हो जाएगा टोटल, ये 7 3 10 को एक साथ कर लूं तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम और 10 ओम। मतलब कि आप ये भी कह सकते हो ये सर्किट अगर 20 वोल्ट है ये दोनों को जोड़ दीजिए सर, क्योंकि इसमें तो निकालना नहीं है, ये अपने आप में 10 ओम है और ये भी अपने आप में कितना दिया आपने सर 10 ओम ही दिया है। तो सर ऐसा होगा यहाँ का जो वोल्टेज, सबसे बड़ी बात है पोलैरिटी सेम है, करंट इसी डायरेक्शन से जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ प्लस ही रहेगा माइनस एकदम कोई दिक्कत नहीं, पोलैरिटी सही मांगा हुआ है। और सर यहाँ आधा V/2 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, V/2 यहाँ पे ड्रॉप होगा आधा आधा, तो 20 का आधा कितना सर 10, 20 का आधा कितना सर 10। डी इज योर राइट आंसर। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बी कहां से आ गया प्रजापति, 3 कहां से आ गया? चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज कन्वे कर देना सारे बच्चों को आप लोग, सर हर एक बच्चे को आप लोग मैसेज कन्वर्ट कर देना। 5 बजे से हमारा लाइव क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए। मामला क्लियर है, मामला क्लियर है सर। आए अनदर, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर आप। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी,
ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ओके वेट अ सेकेंड, अपन से पूछेगा ये तीनों में सर, ये भी 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 तीनों में सर, ये पॉइंट बी है। मामला को समझिए, मैं जो पूछने जा रहा हूँ यहाँ से ध्यान से समझिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि अपने को ऑप्शन कहाँ लिखेंगे, ऑप्शन कहाँ लिखेंगे सर, ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन पूछ रहा है आपसे सर, फाइंड, ध्यान से सर, यहाँ से ध्यान समझिएगा, कह रहा है आपसे सर फाइंड, फाइंड आर ए डी, फाइंड आर ए डी ऑफ गिवन डाटा, फाइंड आर ए डी ऑफ गिवन डाटा। तो मैं यहाँ पे पॉलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ए बी सी एन डी, पहली बात सर 12 ओम, नेक्स्ट सर 15 ओम, नेक्स्ट सर 9 ओम, ओके एंड नेक्स्ट सर 10 ओम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पोलिंग करेंगे एक बार बताएंगे, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है डी, ये है बी और ये है सी, जवाब देखता हूं सर, जवाब देखता हूं, कोई कह रहा डी डी 10, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 10, जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए, वनली फॉर आईटीआई वाला बच्चा है यहाँ पे, वनली फॉर आईटीआई, आईटीआई वनली, आईटीआई वनली, जाकिर हुसैन अपन डिप्लोमा है सर, ये डिप्लोमा वाले के लिए नहीं है, ये आईटीआई के लिए है, डिप्लोमा वाला क्लास दिन में चलता है 10 बजे, बिल्कुल सभी के सही है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ए और बी याद रखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, सर ए और डी पूछा है तो इस रास्ता में जो होगा उसी को लेंगे सर, यहां से कंसीडर करेंगे इसको, इसको ये रास्ता से होकर यहां तक कदम हो जाएगा, इफेक्टिव 1 2 3 एंड 4, सो 3 3 6 3 9 1 10, डी इज योर राइट आंसर। सर आज हमने बस ट्रायल बेसिस पे क्लास स्टार्ट किया था, जस्ट फॉर ट्रायल की आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, किस लेवल की कर सकते हो, ऐसा ही रहा तो हमारा सीरीज चलेगा पूरा सीरीज, जिसमें हम ALP टेक्नीशियन, DMRC, UPPCL, TGD2 टेक्निकल हेल्पर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। सर बेसिक तो स्ट्रांग ही हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी बिल्कुल, टाइम पास करें, ओके मैं डिप्लोमा हूँ चली जाऊँ। पायल डिप्लोमा वाला ये ITI की अगर ALP टेक्नीशियन करना है तभी आप लोग, जो ITI का जो सिलेबस होता है ना ALP वाला वो, या फिर किसी डिप्लोमा का लगता है कि सर बिल्कुल बेसिक से जाना है, बिल्कुल बेसिक सीखना है तो यहाँ पे बेसिक की प्रैक्टिस होगी। सर थ्योरी कब से चलेगा, सर ये वापस वापस समझाओ ना कहाँ है, ए पॉइंट है डी, सर यही पॉइंट पूछा है, इधर वाला पॉइंट को पूछा ही नहीं है, ए पॉइंट ये है, ये देखिए ये ए से डी, ए से
डी पूछा है, मतलब इसको इसको पकड़िए। अब इसी बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, इस बीच में सर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, उधर जाना ही नहीं, वो तो ओपन है, यही दो को पकड़ना है, तो ये तो ओपन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो क्या रह गया सर अपना मामला, एक दो तीन चार, तीन एक तीन चार, तीन सात तीन दस, सो डी जो राइट आंसर। बिल्कुल, जिसका बेसिक कमजोर है वो अच्छा कर सकता है, जो बिल्कुल कमजोर है बेसिक वो अच्छा कर सकता है। ओके राहुल गुप्ता, सर ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो सर टाटा स्टील जेई का पेपर्स कराओ ना सर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, वो दिन में होता है ना, दिन में होता है ना सर, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ाएंगे सर जी, बिल्कुल सर। बिहार बोर्ड सर, बिहार वाला अभी नहीं आने वाला, बिहार में वक्त लगेगा, बिहार वाला में वक्त लगेगा। तो आज ओनली फॉर ट्रायल सर, ये आज ओनली फॉर ट्रायल, आज फॉर ट्रायल था, आप लोग का स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा तो ये टाइमिंग 5 बजे कर दी जाएगी। फाइव पी एम, कितने बजे सर, 5 बजे सर, टाइमिंग बता दीजिए, कल 5 बजे ना, बिल्कुल कल 5 बजे, 5 बजे ठीक है, 5 बजे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, कल चूंकि सैटरडे है तो पहला सैटरडे इसलिए चालू है, अदरवाइज संडे आपका बंद रहेगा और सैटरडे भी बंद रहेगा। टीयर टू प्रिपरेशन कराओ सर, बिल्कुल करा रहा हूँ जी, करा रहा हूँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाएगा जी। एएलबी की वैकेंसी सर कल भर चालू कीजिए, कल चालू रहेगा, कल चालू रहेगा सर। रोहित मेहता क्वेश्चन सॉल्व कराते हो, सब सॉल्व हो जाएगा, यहाँ प्रैक्टिस करिए, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, कल मिलते हैं सर। पीडीएफ आप लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, वेट अ सेकेंड, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। तो कौन सा ग्रुप सर, आईटीआई का एक ग्रुप बना देता हूँ जिसमें आप लोग पीडीएफ हासिल कर पाओगे। पीडीएफ का नाम क्या होगा, टेलीग्राम एक बना दूंगा, क्या रहेगा सर, आईटीआई बाय राजकमल सर, ये ठीक रहेगा या फिर इलेक्ट्रीशियन बाय राजकमल सर। ऑनलाइन आईटीआई सर बनाइए, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, आप पर जाइए, आईटीआई बाय राजकमल सर ये टेलीग्राम में बना दूंगा, ओके, या इलेक्ट्रीशियन कर दूंगा तो शायद बेहतर रहेगा, या इलेक्ट्रीशियन बना दूँ, अभी बनाया नहीं हूँ, आईटीआई बाय राजकमल सर, ठीक है, ये बना दूंगा और मैं लिंक शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। खाली आईटीआई बनाइए, ओके, खाली आईटीआई, संजय कह रहा है सर खाली आईटीआई, तो खाली आईटीआई से कैसे समझ में आएगा, खाली आईटीआई से समझ में आएगा, ऐसा करता हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कर दूं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कर दूं, बिल्कुल जी बिल्कुल, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन,
इलेक्ट्रीशियन बाय राजकुमार सर। चलिए मैं जो भी बनाऊंगा सर आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको भूल जाइए, मैं जो भी बनाऊंगा आपको लिंक दे दूंगा और उसी में आप टेलीग्राम लेंगे, ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मिलते हैं कल 5 बजे। बाय बाय, टेक केयर।